झुंझुनू जिले के खेतड़ी उपखंड में रवा गांव के लाडले रणजीत गुर्जर ने देश की सेवा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए, जिससे गांव में शोक का माहौल हो गया है। शहीद की पार्थिव देह दोपहर बाद पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। शहीद के पिता सुमेर सिंह ने बताया कि गुरुवार शाम 5 बजे उन्हें सूचना मिली कि महू में मोर्टार फटने से आग लग गई है, जिसमें 4 जवानों को बचाते हुए रणजीत शहीद हो गए हैं। शहीद के एक छोटा भाई रविंदर और माँ का नाम फूली देवी है। वीरांगना मीणा देवी की एक पुत्र साहिल भी है, जो UKG में पढ़ाई कर रहा है। वहीं पिता सुमेर सिंह आर्मी में सूबेदार पद से रिटायर हो चुके हैं। शहीद का पार्थिव देह सड़क मार्ग से अजमेर सीकर होते हुए पैतृक गांव रवा में दोपहर बाद तक पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। आपको बता दें, एक मोर्टार फटने से हादसा हुआ, जिसमें देश का लाल शहीद हो गया है। और उसके बाद ये खबर सुनते ही पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता हर्ष स्वामी फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी हर्ष, बताएं क्या संभावना है, कब तक पहुंचेगी पार्थिव देह उनके पैतृक गांव? जी मैं बता दूं, देश के अंदर अपने सैनिकों के लिए पहचान रखने वाला झुंझुनू जिला का एक और जवान शहीद हो गया। खेतड़ी उपखंड के रवा गांव का लाडला रंजीत देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, और गांव में अभी शोक का माहौल है। दोपहर 1 बजे के करीब पार्थिव देह आने की संभावना है, और जो वीरांगना है वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए गांव अन्यत्र गांव में रहती थी, वहां उनको लाया जा रहा है रिश्तेदार, और गांव में अभी शोक का माहौल बना हुआ है। जी हर्ष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें कि खेतड़ी गांव में हमारे देश का एक और लाल शहीद हो गया, और एक खबर सुनते ही पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई, और आज दिन तक उनका पार्थिव देह पैतृक गांव लाने की संभावना बताई जा रही है। सुनाए पर एक्सरसाइज में ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे, वहाँ ये मोर्चे में बड़े हुए थे, स्नाइपर का फायरिंग किया, वहाँ मोर्चे के आसपास आंच लगी तो उसको निकलने का मौका ही नहीं लगा। फिर ये बचाने के लिए खुद बता रहे थे कि आपका लड़का 5 लड़कों को बचाया, खुद आंच लग गई, इसलिए वो ज़्यादा इंजरी हो गई। फिर उसके कपड़े में आंच लगने से वो रणजीत सिंह मेरे गांव का शहीद हुआ है, जो देश की सुरक्षा करते हुए और अपने प्राण न्योछावर कर दिए, और ये हमारे गांव के लिए गर्व की बात है। ये देश का लाडला बन चुका है और हमारे गांव में गमगीन माहौल बना हुआ है, शोक में डूबे हुए। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।